दिल्ली में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को बंपर बहुमत। रुझानों में 62 सीट पर अटका आम आदमी पार्टी का आंकड़ा, 8 पर झूल रही है बीजेपी। कायम है आज तक एक्सिस माई इंडिया सर्वे का जलवा, दिल्ली चुनाव में पूरी तरह सटीक रहा अनुमान। आम आदमी पार्टी की शानदार जीत से गदगद हुए अरविंद केजरीवाल। बंपर जीत के बाद बजरंग बली के दरबार में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, पूरे परिवार के साथ की पूजा। अभी हनुमान मंदिर होके आ रहे हैं और हनुमान जी सबका भला करेंगे। आम आदमी पार्टी की जीत पर केजरीवाल के परिवार ने भी जताई खुशी, पत्नी के जन्मदिन पर दिल्ली के सीएम को मिला तोहफा। काफी मतलब अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे और नई किस्म का फाइट थी, एजेंडा पॉलिटिक्स एक तरफ थी और इस तरफ हमें अपने काम पर भरोसा था। मुझे लगता है दिल्ली ने सच को जिताया है। पटपड़गंज से कड़े मुकाबले में फंसने के बाद आखिरकार विजयी हुए मनीष सिसोदिया, जीत के बाद मंदिर में पूजा की। पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी बंपर जीत मिली है, पटपड़गंज भी उसमें शामिल हुआ है। मुझे पटपड़गंज के विधायक बनने पर एक बार फिर से खुशी होती है। केजरीवाल के साथ मंत्रियों ने मारी बाजी, सत्येंद्र जैन ने दर्ज की शकूर बस्ती से जीत। देखो जनता ने काम पे वोट दिया है और जनता ने बताया है कि नेगेटिव राजनीति नहीं चलेगी, काम चलेगा और दिल्ली सरकार ने काम किया है, उस काम के ऊपर वोट दिया है। कालका जी से आतिशी मारलेना ने हासिल की जीत, राजेंद्र नगर से विजयी रहे राघव चड्ढा। आज जो जीत हुई है ये दिल्ली की जनता की जीत है और केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जीत है। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पार्टी दफ्तर पर खूब नाच गाना हुआ। केजरीवाल के एक फैन ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर मुफ्त में बांटा कोल्ड ड्रिंक, लिखा ड्रिंक एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन। पूरा दम लगाने के बाद भी दिल्ली चुनाव में बीजेपी बेदम, दहाई तक नहीं पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जबरदस्त हार के बाद बैकफुट पर बीजेपी, परवेश वर्मा बोले लोगों को पसंद आई केजरीवाल की फ्री स्कीम। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत पर केजरीवाल को बधाई दी, कहा जनता की उम्मीदें पूरी करने के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी के ट्वीट का केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा मिलकर दिल्ली को बनाएंगे बेहतर। दिल्ली की जंग में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस, दूसरी बार भी खाता नहीं खुला, सभी 67 सीटों पर जमानत जब्त। की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं और मैं सीट झुकाता हूं, जो भी दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया उसके आगे सीट झुकाता हूं। मंथन करना होगा कि क्या वजह रही। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केजरीवाल को दी बधाई, कहा दिल्ली में हुई विकास के एजेंडे की जीत। एजेंडे की जीत हुई है, दिल्ली वासी को धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ साथ ये जो अरविंद केजरीवाल जी जीत हासिल की है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। दिन भर कांग्रेस दफ्तर में पसरा रहा सन्नाटा, मीडिया के सामने आने से बचते रहे बड़े नेता। पूरे देश में मना आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न, असम के गुवाहाटी में कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। कानपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, सीएम केजरीवाल की तस्वीर को मिठाई खिलाई। पटना में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, कार्यकर्ताओं ने होली मनाई, जमकर ठुमके लगाए। दिल्ली में नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के सांसदों ने जश्न मनाया, संसद में मिठाई बांटी।
ओखला इलाके के मानतुल्ला खान की बंपर जीत, बीजेपी के ब्रह्म सिंह के खिलाफ 70,000 से ज्यादा वोटों से जीते। हरियाणा के हिसार में केजरीवाल के पैतृक घर पर मना जीत का जश्न, नतीजों के समय टीवी से चिपका रहा सीएम के चाचा का परिवार। पंजाब के फरीदकोट में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, लड्डू बांटकर जाहिर की जीत की खुशी। शाहीन बाग में अब भी जारी है धरना प्रदर्शन, जामिया में पुलिस के लाठी चार्ज के खिलाफ लोगों ने मौन व्रत रखा है। पुलिस ने एक बार फिर से शुरू की प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश, 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। कानपुर में जारी है नागरिकता कानून का विरोध, प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं ने कहा जब तक नहीं हटेगा सीएए तब तक धरना करेंगे। लंदन हाईकोर्ट में शुरू हुई विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर अपील पर सुनवाई, 3 दिनों तक चलेगी कानूनी जिरह। बीजेपी ने मनाई दीनदयाल उपाध्याय की बरसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। 24 फरवरी को 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अहमदाबाद भी जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, केमछो कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 24 फरवरी से शुरू होने वाले ट्रंप के दौरे में लग सकती है कई अहम सौदों पर मुहर, दोनों देशों में मजबूत की जाएगी रणनीतिक साझेदारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कन्यादान की राशि को लेकर डीएम से उलझी एक लड़की, महिला कलेक्टर ने नहीं किया समस्या का निपटारा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कैद। निर्भया रेप केस में कोर्ट पहुंचे पीड़िता के माता पिता, नया डेथ वारंट जारी करने की मांग। फांसी नहीं होगी तब तक वो नए नए हथकंडा अपनाते रहेंगे, उन्होंने हाई कोर्ट का भी ऑर्डर का मान नहीं रखा। असम के दीमा में प्रदर्शन के दौरान जोरदार बवाल, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। झारखंड के रामगढ़ में गैस पाइपलाइन बिछा रही कंपनी का गांव वालों ने किया विरोध, लाठी डंडे लेकर कर्मचारियों को खदेड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मारी, वैवाहिक कार्यक्रम से लौटते हुए 9 लोगों की मौत। पंजाब के मोगा में लुधियाना हाईवे पर धुंध की वजह से दर्दनाक हादसा, 4 की मौत। मथुरा में मामूली पारिवारिक विवाद में चली गोली, पति की मौत, मां बेटी की हालत गंभीर। जमशेदपुर में 25 साल के युवक की लाश मिलने से हड़कंप, अर्धनग्न अवस्था में कुचला हुआ सर मिला। भिवानी में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मां बेटी और दादा की मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के सरकारी स्कूल के बाहर धमाका, 4 छात्र जख्मी, 1 की हालत नाजुक। सोनीपत में सामने आया दिल दहलाने वाला वाक्य, बाइक सवारों ने होमगार्ड के जवान को सड़क पर घसीटा। 18 साल पुराने मॉब लिंचिंग मामले में मुंगेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा, 14 को उम्र कैद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फायरिंग से हड़कंप, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। हिमाचल के कुल्लू में करीब 12 किलोग्राम चरस के साथ एक शख्स गिरफ्तार, मंदिर में पुजारी है आरोपी। बिहार के रोहतास में आग लगने से 100 दुकानें जलकर खाक, मुआवजे के आश्वासन के बाद शांत हुआ लोगों का गुस्सा। वनडे सीरीज में भारत की क्लीन स्वीप से हार, न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे 5 विकेट से जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 297 रनों का लक्ष्य, केएल राहुल ने खेली थी 112 रनों की पारी। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने रखी जीत की नींव, 106 रन की हुई सलामी साझेदारी। मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकल्स और ग्रैंडहोम ने जमाए अर्धशतक, रॉस टेलर मैन ऑफ द सीरीज। करारी हार के बाद बोले विराट कोहली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं थी हमारी फील्डिंग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 7 मार्च से होगा विंटर गेम्स का आयोजन, 5 दिन चलेगा खेलो इंडिया। दो सौ 36 अंकों की बढ़त के साथ 41,216 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 76 अंक बढ़कर 12,107 पर बंद। मंगलवार को सोना 112 रुपए की गिरावट के साथ 41,269 पर पहुंचा, चांदी 108 रुपए गंवाकर 47,152 रुपए प्रति किलो। वित्त मंत्री ने किया अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने का दावा, कहा निवेश, खपत बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के कदमों का असर दिखा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सिंडिकेट बैंक का मुनाफा बढ़कर 435 करोड़ पर पहुंचा, पिछले साल की तीसरी तिमाही में 108 करोड़ था नेट प्रॉफिट।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्ता किया कर्ज, एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। जनवरी में म्यूचुअल फंड में 1.2 लाख करोड़ का निवेश, एयूएम बढ़कर 27.85 लाख करोड़। इंडिगो ने सस्ते टिकटों के लिए शुरू की 4 दिन की वैलेंटाइन सेल, 999 रुपए में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट।